दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय ग्लोबल एकेडमी पांवटा साहिब। पांवटा साहिब में वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर रोटरी सखी पांवटा शहर के समीप भाटावाली गांव निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करेगी। इस शिविर में मुख्य रूप से हृदय संबंधी बीमारियों की जांच होगी, साथ ही लोगों को मधुमेह से संबंधित इलाज और बचाव के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये जानकारी रोटरी पांवटा सखी के अध्यक्ष डॉक्टर नीना सबलोक ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि शिविर का आयोजन बुधवार को वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर किया जाएगा। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। और असिस्टेंट गवर्नर रोटेरियन हिमांशु मौर्या जी, प्रेसिडेंट इलेक्ट रोटेरियन अरविंद जी, सेक्रेटरी रोटेरियन सोनिया माटिया, ट्रेजरर रोटेरियन हरीश कौर और प्रेस के भाई बंधु, आज का जो हमारा इवेंट है ये रोटरी पांवटा सखी 14 जुलाई 2021 में घटित हुआ था और तकरीबन इसको 2 महीने हुए हैं और हमने विभिन्न प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। जैसे बाता मंडी का स्लम प्रोजेक्ट जो है, स्लम एरिया है, उसको हमने अडॉप्ट किया है और वहाँ हम एक बाल विकास गोष्ठी का प्रयोजन कर रहे हैं जहाँ पे हम संडेज को जाते हैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए काम करते हैं। दूसरा, हमने कुछ टीचर्स को लिटरेसी डे पे ऑनर किया हुआ था, गवर्नमेंट टीचर्स को, और नेशनल सीपीआर डे पे हमने सीपीआर अवेयरनेस, जैसे हार्ट अटैक आता है तो उसमें कैसे बचाव किया जाए, इसलिए सरकारी स्कूल में टीचर्स को ट्रेनिंग किया था। और विभिन्न किशोरी जो है, एडोलेसेंट ग्रुप जिनको बोलते हैं, उनका एनीमिया डिटेक्शन, जैसे उनको खून की कमी होती है उसका डिटेक्शन करना, उनको जो है उसकी सही दवाइयाँ भी देना, तो ये भी हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। हमने 2 ब्लड डोनेशन कैंप्स किए हुए, एक तो हमने कॉलेज में किया था, एक हमने रोज ऑर्चर्ड स्कूल में किया हुआ था। तो हमारा सखी का मतलब है सोशल अवेयरनेस कम हेल्थ इंटरवेंशन, तो फोकस हमारा सोशल अवेयरनेस पर रहेगा क्योंकि बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं वो हमारे सोशल कॉन्सेप्ट या सोशल हमारी जो आइडियोलॉजीज हैं उसके कारण होती है, जैसे कि लड़कियों को कम खाना देना या लड़कों को स्कूल भेजना, लड़कियों को प्रोत्साहित ना करना, तो ये बहुत सारे मेल चाइल्ड के लिए जैसा होता है कि लड़का होना चाहिए, लड़की होने पे वो बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होती है, तो ये सारे जो है ये सोशल डिसीजेस है, ये सोशल प्रॉब्लम्स है और इसके साथ हेल्थ बहुत ज़्यादा गहरा जुड़ाव है। स्वास्थ्य और सोशल कॉन्सेप्ट या सोशल कल्चर बहुत अलग नहीं होता है और इसलिए हमने हेल्थ इंटरवेंशन रखा हुआ है जिसमें हम स्वास्थ्य के में बहुत सारा काम आगे आने वाले टाइम में करना चाहेंगे, जैसे लड़कियों को कराटे की क्लासेस देना या मानसिक स्वास्थ्य के लिए उनका काउंसिलिंग करना छोटी लड़कियों का, लड़कों का, और एक अच्छे समाज की निर्मित में हम अपना कार्यभार शुरू करना चाहते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये होते रहेंगे और आपको समय समय पे इसके बारे में जानकारी देंगे। आज जो हम ये इकट्ठा हुए हैं, कल हमारा है RSSDI, ये एक बहुत बड़ी संस्था है जहाँ पे डॉक्टर सिर्फ डायबिटीज के ऊपर काम करते हैं और इस संस्था ने रोटरी के नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन किया कि हम इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। और ये जो कल वाला प्रोजेक्ट है ये हमारा एशिया अवार्ड प्रोजेक्ट में जाएगा, जहाँ पे मैं आपको बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम 9000 जगह पे कल टेस्ट होंगे और ये हमारा थीम है वन डे, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, वन डे वन नेशन वन मिलियन, तो ये हमारा टेस्ट का टारगेट है जिसमें हम शुगर डिटेक्ट करेंगे जो रूरल पॉपुलेशन में या कोई भी जिन्होंने कभी भी अपना शुगर टेस्ट नहीं किया हुआ। तो इसमें मैं 2 लाइनें डायबिटीज अवेयरनेस के बारे में ज़रूर बताऊंगी क्योंकि वर्ल्ड हार्ट डे पर डायबिटीज़ के बारे में बात करने का मतलब ये है कि हमारी बहुत सारी जो बीमारियां होती है उसमें से एक डायबिटीज़ है जो क्रॉनिक डिजीज है, बहुत टाइम तक चलेगी, ये इजीली डिटेक्ट नहीं होती है। और दूसरा, ये हार्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो अगर हम हार्ट को बचाना चाहते हैं तो हमें अपना शुगर लेवल जो है अलॉन्ग विद ब्लड प्रेशर और शुगर, ये दोनों चीज़ें हमारी नॉर्मल होनी चाहिए और कंट्रोल में होनी चाहिए, तभी हम अपना हार्ट जो है वो एक स्वस्थ हार्ट के साथ ज़िंदगी गुजार कर सकते हैं।
तो अगर डायबिटीज के आप बारे में बताएंगे तो डायबिटीज के प्राथमिक लक्षण होते हैं जैसे बहुत थकावट होनी, बहुत ज्यादा पेशाब आना, कोई जख्म का ठीक नहीं होना, या एकदम से वजन बढ़ना या एकदम से वजन कम होना। तो ये सारे लक्षण जो है वो मधुमेह के होते हैं। कभी कभी धुंधला दिखना या फिर आपके पैरों में सूजन आ जानी, क्योंकि उसका इफेक्ट किडनी पे होता है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके सिर से लेके एंड तक पैरों तक ये आपको परेशान कर सकती है। जैसे पैरों में झुनझुनाहट हो रही है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है या बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा बाथरूम जाना पड़ रहा है, नज़र कमज़ोर हो गई है क्योंकि रेटिना पर इफेक्ट हो रहा है, किडनीज खराब हो रही है तो आपके शुगर पानी की मात्रा जो आपके शरीर में बढ़ रही है और आहिस्ता आहिस्ता किडनी फेलियर की तरफ जाता है। या फिर आप देखेंगे कि न्यूरोपैथी जैसे झुनझुनाहट होती है हाथ पैरों में, और बहुत बार ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज जो होता है ये बहुत बार पेशेंट के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाता है, जिसमें हाथ पैर को काटने भी पड़ते हैं। जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो जाते हैं तो हाथ पैर को काटना भी पड़ता है। तो ये एक बहुत सीरियस बीमारी है और आने वाले टाइम में हमारा इंडिया जो है वो डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बनने वाला है। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा डायबिटीज के मरीज, मतलब एवरी थर्ड पर्सन, अगर आप 3 बंदे लेंगे तो तीसरे बंदे को डायबिटीज की बीमारी होगी। तो शुरुआती लक्षण मैंने आपको बताया, उसको पेपर्स में कराते हैं, उसके लिए हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और यहाँ आज के छोटी सी जल्दी कॉल के ऊपर भी आप सभी यहाँ पर आए, उसके लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि पौटा क्लब जो रोटरी क्लब पौटा का चल रहा था, एक हमने इस साल पौटा सखी के नाम से एक रोटरी क्लब और रन किया है जो कि ओनली फॉर लेडीज, क्योंकि लेडीज एम्पावरमेंट के ऊपर हमारा देश आगे जा रहा है। तो एक इंडिविजुअल लेडीज क्लब, हमने रोटरी क्लब का एक नया क्लब यहाँ पर स्टार्ट किया है। उसका एक ही कारण है, हम जेंट्स की भागीदारी तो आप देख ही रहे हैं चलती है, लेकिन एक लेडीज भी आगे आकर समाज कार्य में आगे बढ़ चढ़ कर थोड़ा सा साथ दें। और खासकर जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें हमें छोटे बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं या कुछ लेडीज हैं, ये इनके जो कार्य करते हैं उनको हम थोड़ा डायरेक्ट जुड़ते हैं। उसकी बजाय अगर हमारी महिलाएं उनके महिलाओं के साथ या बच्चों के साथ जुड़ती हैं तो उसका एक अलग सा संदेश आता है। और इसलिए हमने एक सखी क्लब की स्थापना की, जिसके इस साल के हमारे चार्टर प्रेसिडेंट डॉक्टर मीना सुलोक जी हैं, ठीक है, और उनके सचिव हमारे मैडम सोनिया भाटिया जी हैं, और वित्त सचिव हमारे मैडम हरलीन, डॉक्टर हरलीन जी हैं। तो और बाकी बोर्ड वगैरह सारा मेंबर बने इस क्लब के अंदर। हमारे पास फिलहाल 31 मेंबर्स हमने एनरोल कर चुके हैं। तो और बड़ी ही छोटे समय में एक क्लब हमारा अच्छे कार्य कर रहा है, लेकिन आप लोगों के साथ इस क्लब की इंटरेक्शन नहीं हो पाई थी इसीलिए रखा था। और ऊपर से आज एक हमारा हार्ट डे है वर्ल्ड का, इसके ऊपर हमारे पास मेन हमारे पेशेंट भी है और ऊपर से डॉक्टर साहब भी हैं, तो ये थोड़ा सा उसके ऊपर बताना चाहेंगे और क्लब के बारे में बताना चाहेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पौंटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट।